सबसे पहले गणेश जी को नमन। बिंदु फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। ये एक खास किस्म की मिर्च है और कभी कभी मार्केट में नज़र आती है। इस मिर्च को मुंडू मिर्च के नाम से जाना जाता है और सूखने के बाद जब लाल हो जाती है तो तड़के में यूज़ किया जाता है, तब इसे बोरिया लाल मिर्च के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनिक मुंडू मिर्च का स्पेशल तरीके के साथ इसका अचार बनाएंगे और बनाना शुरू करते हैं। ये 200 ग्राम मिर्च है, इसे अच्छे से हमने धो लिया है और सुखा भी लिया है। अब हम इसमें चीरा लगाएंगे। ये मुंडू मिर्च मोटी और थोड़ी गोल मटोल है। इस मिर्च को हम 4 भागों में काट देंगे कि खाने में आसानी रहे। आप चाहें तो इसे टुकड़ों में काट सकती हैं, लेकिन जो अंदर मसाला भरेंगे उसमें एक अलग ही स्वाद आएगा। और अब हमने इसमें 4 टेबलस्पून सिरका लिया है और इसमें अच्छे से सिरका डाल देंगे, अंदर बाहर अच्छे से मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 1 चम्मच सेंधा नमक और 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे और मिर्चों को करेंगे टॉस और इसे 10-12 घंटे के लिए रख देंगे ढककर, और बीच बीच में थोड़ा सा जंपिंग करा देंगे। 10-12 घंटे हो गए हैं और तक नमक और सिरके का टेस्ट अच्छे से आ जाए। इसमें मॉइस्चराइजर भी आ गया है और गल भी गई है थोड़ी सी। हमने इन मिर्चों में जो सिरके का पानी था उसे हमने एक छलनी से डालकर निकाल दिया है। इस पानी का हम यूज़ करेंगे बाद में। और अब हम करेंगे मसाले तैयार। हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। ये हमने राई ले ली है, 1.5 चम्मच, ये बड़ी वाली चम्मच है। राई से जो है खट्टापन आएगा। और 1 चम्मच सौंफ, मेथी दाना 1/4 चम्मच और थोड़ा सा जीरा। इन सभी को हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए मसाले भुनने शुरू हो गए हैं। राई की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, राई उछल उछल कर नाच रही है। राई फूट चुकी है, वो बिना ऑयल के ही। इसी से मिर्च में स्मोकी फ्लेवर आएगा। और इन सभी मसालों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कच्ची राई और ये भुनी हुई राई, देखने में कितना फ़र्क लग रहा है। और अब हम सारी चीज़ों को पीस लेंगे। 1/2 चम्मच काला नमक और अब इसमें जाएगा हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, ये एक चुटकी हींग है। और इन सभी चीज़ों को हमने पीस लिया है। और अब इसमें जाएगी दालचीनी पाउडर 1/4 चम्मच। अब हम तैयारी करते हैं मिर्ची को स्टफ्ड करने की। इस तरीके से इसे खोलेंगे और जितना चाहे मसाला स्टफ्ड कर सकते हैं। ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। और जो भरी हुई मिर्ची होती है ना, उसका अपना ही एक फ्लेवर होता है। अगर आप मिर्ची काटेंगे तो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। आप बस सिर्फ ऊपर सारा मसाला मिला दें। हमने सारी मिर्च में मसाला भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो सिरके वाला पानी हमारे पास है उसके अंदर हम डालेंगे सौंफ और मेथी, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये हमने 1/4 चम्मच मेथी और 1/2 चम्मच सौंफ का डालकर 1 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे। और इधर हम मिर्चों को भी छोड़ देंगे ताकि मिर्चें मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और इधर से हमारी मेथी भी फूल गई है, ये देखो मेथी
कितनी अच्छी फूल का टुकड़ा हो गई है। अब हम मेथी और सौंफ का पानी इन मिर्चों में डालेंगे और मिर्चों को अच्छे से टॉस करेंगे। ये देखो बिल्कुल ड्राई ड्राई मिर्चें हमारी मसालेदार तैयार हो गई है। ये ऑर्गेनिक मुंडू मिर्च स्मोकिंग फ्लेवर के अंदर तैयार है। ये पानी इसमें टैंगी फ्लेवर देगा। हमारी मिर्चियाँ प्रिजर्व भी करेगा। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें ऊपर से नमक डाल दें आप चाहें तो। मिर्ची तैयार हो गई है हमारी 100% ऑयल फ्री मुंडू मिर्च का सूखा अचार। हेल्दी भी है और टेस्टी भी। अचार जितना पुराना होता जाएगा उतना ही टेस्टी होता जाएगा। आप भी इस अचार को बनाइए, खाइए, खिलाइए। आप सभी को मेरा राम राम। थैंक यू सो मच। टेक केयर।